आपको अंदर किसने आने दिया? वो सर, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। तुम्हें किसने बोला यहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं? वो सर, मैं अपॉइंटमेंट था, आप देख लीजिए। बैठो। थैंक यू सर। अपना रिज्यूम दो। रिज्यूम ये लीजिए सर। रिज्यूम तो ठीक है, लेकिन लेकिन सर, लेकिन तुम्हारी शक्ल का क्या करें? सर मैं कुछ समझी नहीं। देखो, अगर मैंने तुम्हें यह जॉब दे दी तो तुम्हारी शक्ल रोज देखनी पड़ेगी, सारा दिन खराब जाएगा। पर सर, तुम्हें यह जॉब नहीं मिल सकती है, तुम यहाँ से चली जाओ। वैसे तुम्हारा चेहरा बचपन से ही ऐसा है? नहीं सर, वो किसी ने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया था। वाह, ये तुम आजकल की लड़कियों का प्यार वगैरह ही चलता है। जरूर किसी तुम्हारे आशिक ने तुम्हारे चेहरे पे एसिड फेंक दिया होगा। किसका धोखा दिया? सर आप गलत समझ रहे हैं, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं सब जानता हूँ, जो लड़की अपनों को धोखा दे सकती है उससे मैं क्या उम्मीद रखूंगा। तुम तो मेरी कंपनी को भी ले डुबोगी, तुम्हें धोखा देने की आदत जो है। सर आप गलत समझ रहे हैं, एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने सब देख भी लिया और सुन भी लिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम जैसी लड़कियों की मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। पर सर ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गौरव मुझे शर्मा जी की फाइल दे दो। अरे मैम, आप हमारे ऑफिस में? अरे भैया, आप जानते हो इस धोखेबाज लड़की को? हाँ गौरव, मैं जानता ही नहीं। देखो तो कैसी कैसी शक्लें लेके जॉब पाने आ जाते हैं, कौन जॉब देगा ऐसी लड़कियों को। गौरव ये कैसी बात कर रहे हो तुम, बिना सच जाने तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। पर भैया कैसा सच? अरे नहीं नहीं, रहने दो प्लीज। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं रहने दो, एटलीस्ट मेरे छोटे भाई को तो पता होना चाहिए कि सच क्या है। ये ऐसे किसी का थोड़ी ना इंसल्ट कर सकता है। भाई तुझे पता है, पिछले महीने जब मैं अपनी छोटी बहन के कॉलेज गया था ना उसको लेने के लिए, तो उसके ऊपर एसिड अटैक होने वाला था और उसको बचाने वाली ये मैम है। एक बार सोच, अगर ये मैम वहाँ पर नहीं होती तो फिर हमारी बहन के साथ क्या क्या हो जाता। क्या भैया, यही है वो लड़की जिसने हमारी बहन की जान बचाई थी? हाँ गौरव, और तुझे पता भी है, अगर उस दिन ये मैम हमारी बहन की जान न बचाती तो सोच हमारी बहन का क्या होता। मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपको जॉब देता हूँ, आपने मेरी बहन की जान बचाई है। सॉरी सर, मुझे ये जॉब अपनी काबिलियत पर चाहिए थी, ना कि किसी के एहसान पर। मैंने इस जॉब के लिए बहुत प्रिपरेशन की थी, पर आपने तो मेरा टैलेंट ही नहीं देखा और मुझे मेरे फेस से जज कर लिया कि किसी ने मेरे पे एसिड फेंका है तो मेरा करेक्टर गंदा है। और यही आपकी बहन पर एसिड फेंका होता तो वो कुछ भी नहीं। पर सर आपकी गलती नहीं है, हमारी सोसाइटी ने ही ऐसे नियम बना दिया कि हर जगह लड़कियों को ही गलत बनाया जाता है, हम पर ही ब्लेम होता है, हम ही हर चीज में गलत होते हैं। पर सर ऐसा नहीं है, अब मैं आवाज उठाना सीख चुकी हूँ, तो मैं आज अपने लिए आवाज उठा रही हूँ, कल को कोई लड़की अपने लिए आवाज जरूर उठाएगी। और सर हर बार महिलाओं को ही गुनहगार ठहराया जाता है। इस सोसाइटी ने भी आज मुझे अकेला चलना सिखाई दिया। सॉरी, मैं आपको ये जॉब आपके टैलेंट पे ही दूंगा। और हाँ, वैसे भी आपका जो टैलेंट है वो हमारी जॉब के हिसाब से ओवर क्वालिफाइड है, और अगर आप ये हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगी तो हमारे लिए बहुत प्राउड फीलिंग होगी। क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगी? हाँ, और अगर आप मैम के ऊपर एसिड अटैक हो तो तुम्हें जज करेगा। गलत बात है करो।